नमस्कार सभी को, क्वेश्चंस ऑन अद्वैत वेदांता मिनी सीरीज़ में आपका स्वागत। तो चलिए हम और एक प्रश्न लेते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू डिवाइड अविद्या और इग्नोरेंस इनटू कॉस्मिक इग्नोरेंस एंड इंडिविजुअल इग्नोरेंस? तो क्या जो अविद्या जो है इसको हम समिष्टि अविद्या या व्यष्टि अविद्या, मतलब इंडिविजुअल स्तर पर अविद्या और यूनिवर्सल स्तर पर जो अविद्या है इसको हम इसमें हम ऐसे भेद कर सकते हैं क्या कह के, यहाँ पर प्रश्न है। तो अद्वैत संप्रदाय में, ठीक है, जो अद्वैत संप्रदाय में जो मठों में माना जाता है वहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, लेकिन मेरे अभिप्राय में इसको ऐसा नहीं किया जा सकता। कारण क्या है, कारण मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप स्वप्न में हैं, ठीक है, तो स्वप्न आपको क्यों दिख रहा है? स्वप्न आपको दिख रहा है क्योंकि आपको जागृत अवस्था का ज्ञान नहीं है। अभी जो जागृत अवस्था का ज्ञान जो है स्वप्न में, वो क्या समिष्टि स्तर पर है या व्यष्टि स्तर पर है, मतलब कॉस्मिक, वो कॉस्मिक इग्नोरेंस है या इंडिविजुअल इग्नोरेंस है? तो उस अविद्या को जो है हम उसको उसमें ऐसे भेद नहीं कर सकते कि ये जो है ये एक तरह से इंडिविजुअल स्तर पर है और ये कॉस्मिक स्तर पर है, जैसे स्वप्न में हम भेद नहीं कर सकते। स्वप्न ही जो है, स्वप्न ही हमारे अज्ञान के कारण है। उस अज्ञान को मिटा दो, स्वप्न चला गया। वैसे ही ये जगत जो है ये हमें दिख रहा है हमारे अज्ञान के कारण। अज्ञान को हटा दो, जगत नहीं है। तो इसको हम इंडिविजुअल इग्नोरेंस या व्यष्टि स्तर पर अविद्या, समिष्टि स्तर पर अविद्या कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते रहेंगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये एक मन का मन की कल्पना कैसे हो सकती है वगैरह। तो इसका समाधान भी मैंने दे दिया है। बस यही है कि एक बार अविद्या हट गई तो जगत का कोई मतलब नहीं। तो इसको ऐसे डिवाइड करने में भी कोई मतलब नहीं। तो ये था प्रश्न का समाधान। और एक प्रश्न से मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।